CBSE Class 12 Compartment Exam 2019 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्लैनेट स्टडी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट में इस बार कंपार्टमेंट लिखा आया है, वो सारे प्लीज जल्दी से जल्दी अपने स्कूल में जाएं और अपने एप्लीकेशन सबमिट करें कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड। जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स इस बार अपने कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे उन सबके एडमिट कार्ड स्कूल ही प्रोवाइड करेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन CBSE की तरफ से आ चुका है, उसमें ये लिखा है कि 3rd week of June में एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए। सो आप लोग सब प्लीज जून में जाएं और अपने स्कूल से एडमिट कार्ड्स को कलेक्ट करें। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CBSE क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्जाम। थोड़ा सा टिपिकल है, हर पॉइंट को ध्यान से सुनना और वीडियो को आगे पीछे करके देखना जिससे कंप्लीट क्लैरिटी इस पॉइंट से रिलेटेड आप सबको हो जाए। कैटेगरी नंबर 1 रेगुलर कैंडिडेट्स, ध्यान से सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट्स, प्राइवेट कैंडिडेट की बात मैं नहीं कर रहा। रेगुलर कैंडिडेट जिन्होंने मार्च 2019 में अपने बोर्ड एग्जाम दिए हैं और उनके रिजल्ट में नीचे कंपार्टमेंट लिखा आया है, तीन वर्ड्स आते हैं ना लिखे हुए, पास फेल और कंपार्टमेंट, तो जिनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा आया है वो सारे बच्चे उस एग्जाम के लिए अप्लाई करें जिस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर उनका कंपार्टमेंट आई है, तो वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं कैटेगरी नंबर 1 में। कैटेगरी नंबर 2 रेगुलर कैंडिडेट्स जिन्होंने मार्च 2019 में अपने बोर्ड एग्जाम दिए हैं और जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनके पास एडिशनल सब्जेक्ट भी है, और उन स्टूडेंट्स के किसी दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो वो कोई एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 3 रेगुलर कैंडिडेट्स जिन्होंने मार्च 2019 में एग्जाम दिए हैं और जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं और उनके रिजल्ट में पास लिखा है, तीन वर्ड आते हैं ना पास फेल कंपार्टमेंट, तो उनके रिजल्ट में पास लिखा है लेकिन कोई भी एक सब्जेक्ट को वो क्लियर नहीं कर पाए, तो वो भी अपना एग्जाम कंपार्टमेंट में दे सकते हैं अंडर द कैटेगरी इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब अगर आप इन तीन कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2nd of July 2019 को होगा फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स, क्लियर नोटिफिकेशन में CBSE ने हम सबको बताया। अब आते हैं फीस की तरफ। अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अपने स्कूल के थ्रू अप टू 22nd May 2019 तक अप्लाई कर देते हैं तो जो फीस चार्जेबल होगी वो है ₹300 पर सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप 22nd मई के बाद अप्लाई करते हैं बट 29th मई से पहले अप्लाई कर देते हैं तो जो फीस चार्जेबल है वो है ₹1000 एक्स्ट्रा, तो टोटल फीस जो जाएगी वो है ₹1300। लेकिन अब आप और लेट हो गए और इतना लेट हो गए कि आपने 29th मई के बाद अप्लाई किया और 5th जून तक अप्लाई कर दिया क्योंकि 5th जून फाइनल डेट है, तो आपको ₹5000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो टोटल प्राइस जो आप पे करोगे वो है ₹5300। तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने स्कूल के पास जाएं और कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे उनको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाए, और अगर आप किसी को कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी और मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और किसी का कोई डाउट जैसे एडिशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड, वो अभी के अभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे एक लिंक है उस पे थोड़ा प्यार से क्लिक करें, मेरा व्हाट्सएप आप सबके मोबाइल में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आप जितनी अपने करियर डाउट्स हैं वो मेरे को भेजें और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा एक कैलकुलेटेड आंसर आप सबको रिप्लाई करने की। तो मिलते हैं ना व्हाट्सएप पर। बाय बाय।